हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माइसो आदिस असाइलम। आज है 22 फरवरी 2022। तो आज मैं आपसे 22 फरवरी 2022 से बनने वाले करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, अभी विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया गया है? हमारा ऑप्शन है ए 18 फरवरी, बी 20 फरवरी, सी 19 फरवरी, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा उत्तर है बी 20 फरवरी। अब हमारा अगला प्रश्न, अभी संग्रह को स्वचालित करने के लिए किस बैंक ने क्रेडिट सॉल्यूशन के साथ साझेदारी की है? हमारा ऑप्शन है ए बैंक ऑफ बड़ौदा, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी आरबीएल बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा उत्तर है सी आरबीएल बैंक। अब हमारा अगला प्रश्न, अभी किस राज्य सरकार ने नई जैन प्रौद्योगिकी नीति का अनावरण किया है? हमारा ऑप्शन है ए ओडिशा, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा उत्तर है बी गुजरात। अब हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में मेटावर्स में प्रवेश करने वाला पहला बैंक कौन सा बना है? हमारा ऑप्शन है ए डीबीएस बैंक, बी एसबीआई बैंक, सी जेपी मॉर्गन बैंक, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा उत्तर है सी जेपी मॉर्गन बैंक। अब हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में रवीश तिवारी का निधन हुआ है, वे कौन थे? हमारा ऑप्शन है ए गायक, बी पत्रकार, सी फुटबॉलर, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा उत्तर है बी पत्रकार। अब हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन प्लांट का लोकार्पण किया है? हमारा ऑप्शन है ए इंदौर, बी पुणे, सी हैदराबाद, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा उत्तर है ए इंदौर। अब हमारा अगला प्रश्न, अभी किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020 से 21 चुना गया है? हमारा ऑप्शन है ए प्रतीक सिन्हा, बी चेतन घाट, सी संदीप बख्शी, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा उत्तर है सी संदीप बख्शी। अब हमारा अगला प्रश्न, अभी QUAD समूह के विदेश मंत्रियों की चौथी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? हमारा ऑप्शन है ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जापान, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा उत्तर बी ऑस्ट्रेलिया। अब हमारा अगला प्रश्न, अभी ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है? हमारा ऑप्शन है ए प्रियंका गांधी मोदी, बी आदिशा दास, सी डॉक्टर रेखा चौधरी, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा उत्तर है ए प्रियंका गांधी मोदी। अब हमारा अगला प्रश्न, अभी आंध्र प्रदेश लोक सेवा के नए अध्यक्ष कौन बने? हमारा ऑप्शन है ए रजनीश सेठ, बी गौतम स्वामी, सी अशोक कुमार, डी इनमें से कोई नहीं। हमारा उत्तर है बी गौतम स्वांग। हमने लास्ट वीडियो के एंड में आपसे एक प्रश्न पूछा था, अभी रणजी ट्रॉफी के डेब्यू मैच में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम रहा है? तो इसका सही उत्तर अनुराग आर्यन ने दिया है। अब एक प्रश्न आपके लिए, अभी किस देश की महिला HIV से ठीक होने वाली पहली महिला बनी? हमारा ऑप्शन है ए फ्रांस, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। अपना उत्तर हमें कमेंट के बता सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक पर देख रहे हो तो हमें फॉलो करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक घर में रहें, सुरक्षित रहें।